नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके जीवन में सुख का अनुभव होने वाला है, महंगी महंगी कारों में घूमने वाले हैं, वैवाहिक जीवन में सुखों का आनंद प्राप्त करने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं ना कि जीवन की जो चीजें हमें मिलती है हम उसको जीवन रेखा में देखते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, जिसको कि हमारी बुद्धि की रेखा कहते हैं, हमारे विचारों की रेखा कहते हैं, और इसी प्रकार से कि हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितने प्रेम की बातें करते हैं, हमारा विचार कैसे है और हमारे विचार में कितनी प्रेम की बातें होती हैं, हमारी हृदय रेखा बताती है। और इसी प्रकार से कहते हैं ना सुखों का आनंद, जब भी सुख की बात आती है, जब आपको लग्जरियस की बात याद आएगी तो आप शुक्र के पर्वत को देखेंगे। ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, शुक्र का पर्वत ये समान रूप से उठा होना चाहिए। समान रूप से उठा होना, शुक्र एक बहुत चमकीला ग्रह है, सुंदरता को दर्शाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को देखते हैं, देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, उसमें शुक्र की कला होती है। कहते हैं ना मन को मोह लेने वाला, मन को विचलित कर देने वाला, अगर उसके अंदर आकर्षण शक्ति है तो वो शुक्र के पास है। इसी प्रकार से अगर स्त्री है तो पुरुष की तरफ झुक जाता है उसकी सुंदरता को देखकर, और पुरुष है तो स्त्री की तरफ झुक जाता है उसकी सुंदरता को देखकर, क्योंकि ये सुंदरता ही शुक्र का कारक माना जाता है। और हमारे जो वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है हम शुक्र पर्वत से देखते हैं। हमारी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी या हमारी मैरिज लाइफ खराब रहेगी, इन सारी कारणों का जो होता है वो शुक्र होता है, सुख सुविधाओं का कारण। कहते हैं ना कि जीवन में जितने भी आराम की वस्तुएं हैं, जितने भी हम आराम का अनुभव करते हैं, पानी पीने से लेके आराम की जितनी चीजें हैं, हम उस शुक्र के अंतर्गत देखते हैं। अब हम शुक्र के पर्वत पे वो कौन सी रेखा है जो आपको लग्जरियस लाइफ दे रही है, महंगी महंगी कारों में घुमा रही है, वो है आड़ी रेखा। ये शुक्र के पर्वत पे आड़ी रेखा, आड़ी रेखा आपको महंगी महंगी कारों में और सुख का अनुभव कराएगी, और ये रेखाएं जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा सुख का अनुभव देंगी आपको। और इसी प्रकार से ये रेखाएं जो है ना शुक्र की, ये जीवन रेखा को ना काटे। अगर ये जीवन रेखा को काटती है तो हमारे जीवन में संघर्ष को दिखाती है, वो फिर राहु का काम करती है, वो शुक्र का सुख नहीं लेने देती है। अगर ये रेखाएं हैं आप जीवन में सुख का अनुभव करेंगे और महंगी कारों में घूमेंगे। और इसी प्रकार से यहां पर एक स्टार बना हो इसी शुक्र के पर्वत के ऊपर, ये शुक्र के पर्वत के ऊपर लग्जरियस लाइफ देता है, हैप्पीनेस देता है, खुशियां देता है, आकर्षण शक्ति पैदा करता है। कहते हैं ना कि ये कामुकता की तरफ भी लेके जाता है। स्त्री है तो पुरुष की तरफ, पुरुष है तो स्त्री की तरफ झुकाई ही देता है, आकर्षण शक्ति को खींच लेता है। और यहां पर एक वर्गाकार, ये वर्गाकार बना, जितना बड़ा वर्गाकार उतने बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मकान का सुख किसी किसी को नसीब होता है। और ये अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह बनता है तो आपको
बड़े घर में रहने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा और ये सुखों का आनंद लेने के लिए सौभाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं। कई लोग तो जीवन में अपने इस मकान के पाने के सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मकान का सुख नहीं प्राप्त होता है। और ये सुखों का अनुभव अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है तो अवश्य प्राप्त करवाता है। और इसी के साथ यहां पर एक फिश की साइन बनी हो। फिश की साइन जो होती है सुख के साथ, अभी जैसे मैंने बात की महंगे कार, महंगे कपड़े और महंगे महंगे होटलों में जाना, इन सारे चीजों का जो अनुभव देती है वो फीस भी देती है, यात्राएं करवाती है। मतलब आपको एक सुखों के पीछे आदमी भागता रहता है अपने, जैसे मछली एक चंचलता को दिखाती है तो वैसे आपको सुख पाने के लिए एक दूर दराज की तरफ भागते रहते हैं। और यहां पर एक जो तिल है, ये तिल यहां पर इन चीजों को पाने में बड़ी कठिनाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जीवन में बदनामी, हम जिसको कहते हैं कि बदनामी करवा देता है। स्त्री है तो पुरुष की तरफ आकर्षण शक्ति पैदा करके आपको एक बार जरूर बदनामी कराएगा, और पुरुष है तो स्त्री की तरफ। मतलब इन अगर ये साइन आपके हाथ में है तो एक बार बदनामी की दुनिया में जरूर लेके जाता है। और इसी प्रकार से सारे सुखों को प्राप्त जो करता है जीवन में इंसान, उसकी भाग रेखा भी तो प्रबल होनी चाहिए। ये भाग रेखा ही प्रबल होनी चाहिए, वो व्यवसाय हमारा, हमारा करियर है, हमारा प्रोफेशनल है, हम लाइफ में कैसे, हमारा आने का इनकम कैसे है, वो हमारी भाग रेखा बताती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर इसी तरह से आपको नई नई वीडियो मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट भी करना ना भूलें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।